राधौगढ़ नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस व भाजपा की व्यक्तिगत लड़ाई का फायदा मिल सकता है निर्दलीय प्रत्याशियों को। जी हां, जैसा कि राधौगढ़ नगर पालिका चुनाव में जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि जनता विकल्प चाहती है। जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राघोगढ़ राजघराने की करीबी ऋतु अनिमेष भार्गव मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर राघोगढ़ के मुस्लिम समुदाय का एक जाना पहचाना चेहरा अंजुमन इस्लाम कमेटी के सदर की पत्नी शमीम बानो मैदान में है। यहां अगर ऋतु अनिमेष भार्गव के ऊपर निगाह डाली जाए तो यह परिवार हमेशा से राघोगढ़ राजघराने से जुड़ा रहा है, लेकिन इस परिवार का निर्दलीय रूप में सामने आना कहीं ना कहीं राजघराने में अंदर पड़ी दरार को साफ तौर पर दर्शा रहा है। वहीं कांग्रेस के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ जनता को कहीं ना कहीं एक ऐसा विकल्प इनके रूप में उपलब्ध हुआ है जिसकी जनता को तलाश थी। वहीं उन्होंने अपने द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की मुख्य समस्याओं के प्रति अपनी घोषणाएं की है, जिससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय का साथ भी इन्हें मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है। वहीं इनके पक्ष में समीकरण वे लोग भी बदल सकते हैं जिन्हें लंबे समय से विकल्प की तलाश थी। वहीं इन्होंने अपने घोषणा पत्र को लेकर डीजीआर न्यूज से खास बातचीत भी की। प्राथमिक स्तर पर हमारा मुद्दा सुधार और विकास के लिए है, और जो भी अपने अनुभव है हम उसी हिसाब से आए कि हमें सुधार और विकास करना है। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि माहौल बिल्कुल भी, मैं एक महिला कैंडिडेट हूँ तो बिल्कुल हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन यहाँ जैसा कि माहौल चल रहा है कि बिल्कुल दहशतगर्द, जहाँ की एक आम आदमी ही सुरक्षित नहीं है, तो महिलाओं का क्या कहना है। तो लेकिन हमें इसलिए इनसे आगे बढ़ना है और हम इंश्योर करेंगे कि महिलाओं को सशक्त भी करें और इन्हें सुरक्षा भी प्रदान करें। जैसा कि राघोगढ़ का इतिहास रहा है, हमेशा यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार चूँकि हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में हैं और जनता की पसंद के रूप में उभर रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक पार्टियाँ बेमनस्ता फैला के और हिंसा का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं यहाँ सभी नागरिकों से निवेदन करूँगा कि वो इस पर विचार करें कि क्या वो अपने नगरपालिका अध्यक्ष के लिए या अपने लीडर के तौर पर ऐसे लोगों को चुनेंगे जो रात रात भर दंगा कर रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरों पे झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं, या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि एक सुधार और विकास में विश्वास रखने वाला, एक सबके साथ मिलकर चलने वाला अध्यक्ष उनको मिले। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो हमको चुनेंगे तो हम उनको एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में एक अच्छी सुधार और विकास की राह पे काम करने वाली नगर पालिका देंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये काफ़ी समय से मुद्दा चला रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान को लेकर। जैसा कि आपने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कब्रिस्तान को लेकर कुछ वाक्य लिखे गए थे, तो क्या वाकई में आप उसको कर पाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिसका मामला विलंबित है? जी बिल्कुल, हम अपने घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और कब्रिस्तान का मुद्दा ये आज का नहीं है, यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई सदियों से रहते चले आ रहे हैं और ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको हमेशा एज ए पोर्टर तो यूज़ किया गया लेकिन कभी उनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया गया। हम ये अभी आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जो भी न्याय संगत जमीन कब्रिस्तान को दी गई है उस जमीन पर हम शमशान घाट की तर्ज पे एक भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त कब्रिस्तान तुरंत प्रभाव से काम चालू करके बनवाएंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे नगर पालिका की बनते ही करीब करीब 6 महीने में वो मूर्त रूप लेने लगेगा और अधिकतम 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। वहीं इस चुनावी मैदान में राधौगढ़ नगर पालिका के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए कोई निर्दलीय अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतरी है, जो कि राधौगढ़ की अंजुमन इस्लाम कमेटी के अध्यक्ष की पत्नी शमीम बानो है, जिनका दावा है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ साथ बहुसंख्यक समुदाय के वोट भी उन्हें बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। अगर इनके भी अतीत पर हम निगाह डालें तो इनके पति असलम शेर खान भी लंबे अरसे से राघोगढ़ राजघराने से जुड़े हुए हैं, पर कहीं ना कहीं इन्होंने भी अल्पसंख्यक समुदाय की लंबी समस्याओं को लेकर इस चुनाव में मोर्चा संभाल ही लिया है। नगर पालिका की चुनावी रूपरेखा इन दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों ने कहीं ना कहीं बदल कर रख दी है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा जो है कब्रिस्तान और तमाम जो हमारी मुस्लिम समाज की समस्याएं हैं उनकी वजह से जो परेशानियां मुस्लिम समाज को आ रही है उसको लेकर हमने चुनाव लड़ा है, और हमें जो निर्दलियों को समर्थन आगे मिल रहा है पब्लिक का, उसके कारण ये है कि जैसे ही हम पार्षद अध्यक्ष में अपना बनते हैं नगर पालिका, तो हमें वार्ड स्तर पर जैसे जन सुनवाई केंद्र जो स्थापित हैं प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उसी को हम अपने वार्ड स्तर पर करेंगे। वार्ड स्तर पर जो समस्याएं रहेंगी उनका निराकरण प्रत्येक दिन जो है 11 से 4 के बीच में होगा, ये एक मूलभूत समस्या है, इसका हमें निराकरण कर नगर पालिका के लोग कर्मचारी इसको करेंगे। हमारा है तमाम धार्मिक जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं,
उनकी हम एक वार्ड स्तर की समिति बनाएंगे पार्षद के साथ, और उनको मिलकर विकास जो की गंगा जो बहेगी उन सबको मिलकर मिलाकर हम करेंगे। असल क्या है कि यहाँ जो काम अभी देश की आज़ादी के बाद से आज तक जो है कब्रिस्तानों के ताल्लुक से मुस्लिम समाज के कोई काम नहीं हुए। ऊपर से फोकस वाली बातें होती हैं, कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वो उनको करने नहीं देते हैं। हमने इसके लिए 2 साल सदर बने हुए हैं, उस वक्त से हम प्रयासरत हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कभी विवाद, जबकि हमारी जो कब्रिस्तानों का मुद्दा है वो उस पर 27 जनवरी 1987 में मध्यप्रदेश शासन का आदेश था कि गवर्नमेंट को जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि बाउंड्री वॉल आराम से की जाए। 10 लाख रुपए विधायक जी ने दिए भी हैं उसके अंदर, लेकिन बस उसमें सब राजनीति होती है, कोई काम हो नहीं पा रहे हैं। हमारी कब्रिस्तानों पर सुअर बैठे हैं और हम लोग आराम से फोटो खिंचा रहे हैं। असल मकसद हमारे ये रहे, कौम के अंदर 5 साल नगर पालिका रही पिछली बार, ना तो कम्युनिटी हॉल है, हमारे बहन मुस्लिम समाज के लोग शादी ब्याह हम कर नहीं पाते हैं, फिर 5 साल के लिए फिर चला जाएगा। और कैंडिडेटों की यहाँ तक बात हम करें, ऐसा कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट उतारा नहीं है जो सारी समस्याएं हमारा निराकरण कर सके। ये हमारी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपने व्यक्तिगत से है कि हम अपने जो विकास है हमारे मुस्लिम समाज के वो हो नहीं पा रहे हैं। कुछ चापलूस लोग जो हैं वो उनकी वजह से विकास रुक गया है मुसलमानों का, और अभी तक दुकानें पेंटिंग हैं, तमाम मुद्दे हैं, तो ये सब नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद इस पद पर बैठेंगे और तभी जाके इसका निराकरण होगा। और हमें समर्थन हिंदू भाइयों का भी है, सभी समाजों का भी हमें समर्थन मिल रहा है, इसलिए निर्दलियों का प्रकोप भारी है। और दोनों समुदाय आप देख रहे हैं, दोनों पार्टियां आप देख रहे हैं, उनका क्या वजूद, क्या काम चल रहा है। अभी निर्दलीय हैं हम चाहते हैं नल पर ही लोग मोहन लगाएं, बटन दबाएँ और नल को विजय बनाएं। आने वाले वक्त पर फिर हम अपना काम बताएंगे, 1 महीने में अपना पूरा एजेंडा विकास की योजना बहा देंगे। खैर, इस चुनाव में हार किसकी होगी और जीत किसकी होगी यह तो 20 जनवरी को ही पता लगेगा, लेकिन राधौगढ़ नगर पालिका की चुनावी रूपरेखा इन दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों से कहीं ना कहीं बदल रही है और भाजपा एवं कांग्रेस दोनों को चिंता करने पर मजबूर कर दिया है।